हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। फ्रेंड्स, एक स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने से पहले क्या क्या चीजें सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। यहां पे मुझे देखना पड़ता है जो कॉम्बिनेशंस है इंडिकेटर्स का वो किस तरीके से वर्क करेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, पर्टिकुलरली राइट नाउ मार्केट के अंदर कौन से इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन अच्छे से वर्क करेगा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं कोई भी स्ट्रेटजी जो गूगल पे अवेलेबल है वो आपके लिए मैं लेके आ जाऊं, ये चीज वर्थ नहीं है। आपको भी अगर वीडियो पसंद आएगी, स्ट्रेटजी पसंद आएगी, तो ही आप वीडियो लाइक करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, आई नो दैट। तो इसीलिए काफी रिसर्च लगती है, उसके बाद उस स्ट्रेटजी पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको स्ट्रेटजी की टेस्टिंग करनी पड़ती है, लाइव अकाउंट से, डेमो अकाउंट से कंपेयर करना पड़ता है, आपको बेस्ट टाइम फ्रेम देखना पड़ता है कि कौन से बेस्ट टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी सबसे अच्छे से काम करेगी, कौन से मार्केट पे, कौन सी करेंसी पे और कौन से टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड इन द सेंस कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स ट्रेडिंग के अंदर आपको पता ही है, जैसे टोक्यो सेशन है, ये जो सेशन है इसमें कौन से सेशंस में अच्छे से काम करेगा, व्हाट आर द परफेक्ट वैल्यूज फॉर द इंडिकेटर्स। अगर आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो आरएसआई का, तो उसके लिए कौन सी परफेक्ट वैल्यू है। वैल्यू आपको एक से लेके 100 तक मिल जाएंगी, भाई उससे ज्यादा भी मिल जाएंगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू है जिसको चूज करने के बाद आप स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज कर पाओगे, प्रॉफिट ले पाओगे फॉर अ सर्टन टाइम। जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता हूं, स्ट्रेटजी परमानेंट नहीं होती है, आपको गारंटी के साथ कोई भी पैसे नहीं कमा के दे सकती है कोई भी स्ट्रेटजी, ना ही कोई इंसान आपको इस तरीके की गारंटी दे सकता है इन फिक्स टाइम शेयरिंग। तो यहां पे स्ट्रेटजी किस काम आती है, अब मुझसे आप पूछोगे भाई क्या काम आती है स्ट्रेटजी, तो यार स्ट्रेटजी आपकी कॉन्फर्मेशन जो रहती है सिग्नल्स की, जो आपको मिलती है इकोनॉमिकल कैलेंडर से, न्यूज इंपैक्ट से, मार्केटिंग एनालिसिस से और आरएसआई से या फिर प्राइस एक्शन से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, उसको हेल्प करती है स्ट्रांग करने में। आपको पता है अगर आप एक कॉन्फर्मेशन के साथ जाते हो एक टाइम पे, प्लस अगर आपके पास दो तीन कॉन्फर्मेशन एक्स्ट्रा हो, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है किसी स्ट्रेटजी को स्ट्रांग बनाने में। And then strong confirmation signal जो रहता है वो एक comparatively अगर आप directly news impact पे जाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा वजन रखता है। तो यही reason है कि ये जो है video लाने में time लगता है strategy की, थोड़ा time ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आपका appreciation फिर भी नहीं मिलता है like, comment and share से, तो फिर भाई बुरा लगता है। तो यार अगर video पसंद आती है तो strategy ज़रूर use करना, strategy use करके अगर आपको profit होता है तो एक चीज जरूर कर देना भाई, थम लाइक कर देना, क्योंकि कोई नहीं जाता भाई, आपका दो सेकंड जाते हैं एक लाइक बटन पे हिट करने में, लेकिन बहुत एप्रिसिएशन मिल जाता है आपके लाइक से। दूसरी जो चीज है वो ये वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि वीडियो के अंदर लाइव ट्रेडिंग भी लेने वाले, दिखाऊंगा आपको सारी चीजें करके, तो मजा तभी आएगा, समझ तभी आएगी जब आप वीडियो को सारी देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए। बहुत टाइम बाद आ रही है स्ट्रेटजी की वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए अपलोड कर रहा हूं, और इतना जो टाइम लगा है एक स्ट्रेटजी को ढूंढने में, तो भाई जरूर देखना। स्ट्रेटजी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ओलिम के साथ ही यूज करनी है। तो डायरेक्टली चलते हैं यार पीसी की स्क्रीन पे, यहां पे आप देख सकते हैं ओलिम ट्रेड के लाइव अकाउंट से मैं लॉग इन हूं, यूएसडी जो बैलेंस है वो आप देख सकते हैं। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं स्क्रीन को एक बार फिर से, कुछ लोग होते हैं भाई बोलते हैं कि स्क्रीन जो है आपने मैनिपुलेट की है, यहां पे जो बैलेंस है वो मैनिपुलेट किया है, तो यहां पे मैंने आपको रिफ्रेश करके दिखा दिया है। अब यहां पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली कौन सी स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की हुई है, आरएसआई एंड सीसीआई, जो कि अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलेटर्स। ऑक्सिलेटर्स मैंने थंबनेल के अंदर डाला है, वर्किंग भी डाला है मैंने 70%। क्यों डाला है, क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 6 से 7 ट्रेड्स आप यहां पे प्रॉफिट लेते हैं। अगर आप मार्केट को भी चेक करते हैं यानी एनालिसिस करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस आप कहां से कर सकते हैं, investing.com से कर सकते हैं, tradingview.com से कर सकते हैं, दीज काइंड ऑफ वेबसाइट जहां से आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट से आप न्यूज़ चेक करो कोई पर्टिकुलर करेंसी पे न्यूज़ है या नहीं, अगर नहीं होती है तो आप इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यानी इन इंडिकेटर्स को अप्लाई करके स्ट्रैटेजी लगा सकते हो और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कॉन्फर्मेशन स्ट्रांग कर सकते हो। तो डायरेक्टली आते हैं आरएसआई पे और सीसीआई पे, तो करना क्या है, अगर मैं इसे कट कर देता हूं, देखो यहां पे मैंने ये जो स्ट्रेटजी है इसको निल कर दिया, और सबसे पहले मैं आ जाता हूं बिल्कुल एकदम रॉ स्क्रीन पे। तो जैसे ही मैं इंडिकेटर का जो सेक्शन है उस पर क्लिक करता हूं, ऑक्सिलेटर्स यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सिलेटर्स के अंदर मुझे क्लिक करना है आरएसआई पे एंड मुझे क्लिक करना है सीसीआई पे। जैसे ही मैं इन दोनों ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूं, मेरे पास चार्ट में दो छोटे छोटे पैनल ऐड हो जाते हैं बॉटम में। अब बेसिकली ये जो आरएसआई है और सीसीआई है, तो इनमें क्या क्या चेंजेस आपको करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ
वैल्यूज। तो यहां पे आपको कोई मॉडिफिकेशन नीडेड नहीं है, RSI की जो वैल्यू है वो आपको बाय डिफॉल्ट रखनी है 14 एंड CCI की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट आपको 20 रखनी है, लेकिन आप इनके कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, क्योंकि आपको कलर्स जिस हिसाब से आपको सुटेबल लगते हैं आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे पर्पल कलर सिलेक्टेड है RSI के लिए एंड ग्रीन कलर जो है वो सिलेक्टेड है CCI के लिए। अब बोथ कलर्स आर सिलेक्टेड और बोथ लाइंस यू कैन चेक ऑन द ग्राफ। ओके, यहां पे आप छोटे छोटे तीन लाइन देख पा रहे हैं जहां पे रेड एंड ग्रीन कलर की लाइन है अगर मैं RSI की बात करता हूं, और बीच में एक पर्पल कलर की लाइन है यानी ट्रेंड लाइन है। अब बेसिकली यहां से हम इंडिकेशंस किस तरीके से ले सकते हैं, अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो सिंपली समझाने के लिए जाना जाता है। आप यहां पे आते हैं ताकि आपको जो नॉलेज है वो थोड़ी सिंपल नॉलेज सिंपल तरीके से मिले। ओके, तो यहां पे CCI की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो अगर वो नीचे यानी कि 100 माइनस 100 को क्रॉस करके नीचे जाता है, ऑन द सेम टाइम अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI की बात करते हैं वो 30 पे रहता है। तो 30 एंड माइनस 100 का जब भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मार्केट का इंडिकेशन रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर यहां पे आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं, तो यहां पे 30 का जो लेवल है 30 के लेवल को टच किया हुआ है वायलेट लाइन जो है पर्पल जैसी लाइन है, और यहां पे ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है उसने भी क्रॉस किया है माइनस 100 को। तो जैसे ही ये दोनों पॉइंट एक ही टाइम पे नीचे की तरफ जाते हैं एंड देन टच करने के बाद आपको 5 मिनट तक की अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी चाहिए। यहां पे जैसे कि आप 5 मिनट की अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेते तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे ट्रेड क्लोज हुई है, देन यू विल गेट प्रॉफिट। अब ये यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए अगर आप कॉम्बिनेशन वाली बात करते हैं कि अगर आपको दो तरीके से सिग्नल्स मिल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, अगर मैं बात करता हूं अपवर्ड डायरेक्शन की यानी कि कॉल बटन की, तो कॉल बटन में अगर आपको सिग्नल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द सेम आपको दो कॉन्फर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही दोनों के दोनों जो पर्पल लाइन है और ग्रीन लाइन है अपने लोअर ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस करके नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद आपको 5 मिनट की अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है, यानी कि दो कॉन्फर्मेशन इज नीडेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो ट्रेंड है उसको रिकॉग्नाइज करने की, तो उसके लिए आपको एक कॉन्फर्मेशन की जरूरत है दोनों तरफ से। अब मैं बताता हूं किस तरीके से, देखिए यहां पे RSI को अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अपनी पीक पे गया, देन नीचे आना वो स्टार्ट हुआ। तो और अगर मैं सेम देखूंगा यहां पे CCI में, तो सेम यहां पे CCI हमें सपोर्ट नहीं करेगा इन द टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्ट्रेटजीज बोथ द इंडिकेटर्स। तो यहां पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ RSI। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं 5 मिनट की डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा, तो ये जो कैंडल है वो यहां पे फिनिश होती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन की मैं अगर ट्रेड लेता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 आई विल गेट द प्रॉफिट। अगर मैं बात करता हूं CCI की, तो यहां पे मेरे को डिफरेंट कॉन्फर्मेशन मिला है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे ही आपका जो CCI है वो पीक पे जाके नीचे की तरफ आता है यानी कि यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, आपको ट्रेड लेनी है CCI में जब वो अपनी अपर लाइन को यानी कि 100 को क्रॉस करके नीचे आता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है यानी कि यहां पे। तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए यहां पे मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ या फिर जो लॉस के या तो ड्रॉ होगा या तो लॉस होगा ये वाली ट्रेड। देखिए मैंने आपको बताया 70% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं दे सकती है। तो इस तरीके से यहां पे आपको ट्रेड लेनी है। आई होप कि आप समझे होंगे, दो कॉन्फर्मेशन लेनी है आपको अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जो कि CCI प्लस RSI के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगी। अगर CCI और RSI दोनों की दोनों जो लाइन है ट्रेंड लाइन है वो नीचे की जो ट्रेंड लाइन रहती है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है, इन दैट केस हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है वो भी 5 मिनट्स के लिए। और अगर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है तो हम सिंगल कॉन्फर्मेशन लेंगे RSI भी और CCI भी। अब एक काम करते हैं डायरेक्टली एक ट्रेड लेके मैं आपको दिखा देता हूं, 5 मिनट्स की ट्रेड रखता हूं और हमारी इन्वेस्टमेंट रखते हैं $1000 की, और अभी फिलहाल के टाइम पे इस पर्टिकुलर करेंसी में हमारा जो सिचुएशन है वो मेट नहीं कर रहा है, विल चेंज द करेंसी। ओके
ओके सो यहां पे आप देखेंगे तो ये एक परफेक्ट आइडियल सिनेरियो यहां पे मुझे मिला है। अगर आप देखेंगे सीसीआई को तो वो एक लोअर यानी कि हमारे -100 को क्रॉस कर चुका है लेकिन आरएसआई ने 30 को टच नहीं किया है। इन दिस सिनेरियो हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं ले सकते अंटिल और अनलेस ये जो ट्रेंड लाइन है पर्पल कलर की ये 30 को टच ना करे। तो हम क्या करेंगे, ये सिचुएशन हमारे सामने आई है। अब हम चेंज करते हैं हमारे ग्राफ को, द सेम सिचुएशन काइंड ऑफ यहां पे हमें देखने को मिल रही है। अब हम जाते हैं यूरो यूएसडी पे, ओके जीबीपी यूएसडी पे, यहां पे भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं मिल रही है। ओके दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज ऑल्सो कैन बी, अब देखो यहां पे हमें बहुत सारे सिग्नल्स मिल सकते हैं अगर मैं 20-25 मिनट बाद ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, ये दोनों की दोनों ट्रेंड लाइन जो है ये नीचे की तरफ जाके ऊपर की तरफ जाना टच करेंगी, तो हमें 5 मिनट की जो है ट्रेड यहां पे प्लेस कर देनी है। तो यहां पे मैं करेंसीज देख रहा हूं कि जहां पे हम ट्रेड ले सके इस पर्टिकुलर अभी फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से। ओके सो फॉर द दिस सिचुएशन अगर मैं बात करता हूं हमारे सीसीआई के, तो सीसीआई अभी 100 को टच किया है, माइट भी ऊपर जा सकता है बट चांसेस अभी नीचे जाने के है। तो विल फाइंड अनदर करेंसी पेयर, अगर हमें नहीं मिलता है देन हम बिटकॉइन में ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का भी सिचुएशन अभी थोड़ा चल रहा है जहां पे। ओके सो वी गॉट द सिचुएशन, यहां पे हम 5 मिनट्स की ट्रेड लेने वाले हैं अपर डायरेक्शन के लिए, और मैंने बिना सोचे समझे यहां पे $100 की ट्रेड जो है सॉरी वो प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। देखिए रीजन क्या था यहां पे 5 मिनट्स की ट्रेड जो है वो लगाने का, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। ओके तो यहां पे जो रीजन था वो ये था कि अगर आप देखेंगे तो यहां पे सीसीआई जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, एंड अगर मैं बात करता हूं आरएसआई की तो आरएसआई भी पर्पल कलर का जो है वो टच करके इनकी 30 को ऊपर की तरफ जा रहा है। इन दिस सिनेरियो क्या कर सकते हो, अगर आप ट्रेड लेने में थोड़ा सा लेट होते हो तो यहां पे 5 मिनट की जगह आप 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहां पे मैंने 5 मिनट की ट्रेड लिया, आप 3 मिनट की ट्रेड भी ले सकते हो इन दिस सिनेरियो। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज होती है अगर आप यहां पे जाते हो। तो मैं जाता हूं ट्रेड्स वाले सेक्शन में। ओके तो अभी हमारे पास बाकी है 4 मिनट और 6 सेकंड। ओके लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, और अगर मैं ग्राफ का जो टाइमिंग है अगर वो भी देखूं तो वो जो है वो सिलेक्टेड है यहां पे। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं मैंने जो टाइम फ्रेम रखा हुआ है वो 5 मिनट्स का रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो 1 मिनट्स का रख सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो 1 मिनट का रखो, आप चाहे तो 5 मिनट का रखो। अगर आप 1 मिनट का रखते हो तो 5 कैंडल के हिसाब से आपको जज करना है, अगर आप 5 मिनट का रखते हो तो आपको 1 कैंडल के बेसिस पे जज करना है। दैट इज लाइक स्लाइटली डिफिकल्ट पार्ट, बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटजी, अगर आप स्ट्रैटजी की बात करते हो आरएसआई की एंड सीसीआई की, तो उसके बेसिस पे ही आपको ट्रेड लेनी है। तो यहां पे 5 मिनट का टाइम जो है वो सिलेक्टेड था, लास्ट कैंडल वी गॉट इन प्रॉफिट, वी क्लोज इन प्रॉफिट, एंड दिस कैंडल जो हमने अभी ओपन की हुई है, लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन। तो यहां पे देखते हैं कि क्या होता है, और अगर जाता हूं मैं ट्रेड्स वाले सेक्शन में, भाई इसको ओपन करके रखते हैं, तो हमारे पास बचे अभी 2 मिनट 20 सेकंड। देखिए इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप बेसिक से हो, अगर आप स्टार्टिंग से हो तो आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो ट्रेडिंग में तो आपको यहां पे 1 मिनट की कैंडल रख सकते हो बेसिक। बट अगर आप लाइक आपको पता है ट्रेडिंग, लाइक आप एडवांस लेवल पे हो, तो आप यहां पे 5 मिनट की कैंडल रख सकते हो जज करने के लिए मार्केट को। इट विल बी बेटर फॉर यू 5 मिनट की भी और 1 मिनट की भी, इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन। ओके तो यहां पे अभी आप देखेंगे तो भाई एकदम नीचे आ गया है, लास्ट अभी हमारे पास 1 मिनट एंड 44 सेकंड्स जो है वो लेफ्ट है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत एक्साइटिंग चल रही है भाई, और यहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं व्हाट आई कैन सी। और यहां पे आप देखेंगे तो एक रिवर्स कैंडल हमें मिली है, इसका मतलब है कि मार्केट यहां से रिवर्स होने के चांसेस हैं, यानी कि अगर कोई भी कैंडल आपको मिलती है जो कि बैक हो जाती है, बैक इन द सेंस कि आपकी कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की और आपको ऊपर उसमें रेड कलर की बनने के चांसेस है कि भाई अब रेड की भी बन सकती है, तो उस केसेस में हम कहते हैं रिवर्सल, यानी कि वो रिवर्स हो चुकी है कैंडल। अब लेट्स सी कि क्या होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड का। अभी हमारे पास बचे हैं 1 मिनट और 5 सेकंड, और हमारी जो ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा कह सकता हूं मैं फनी चल रही है अभी, क्योंकि सिचुएशन इज हमारी जो ट्रेड है उसके हिसाब से जो कैंडल है उसको क्लोज होना चाहिए 85 पे, यानी कि 3285 पे, बट फिलहाल वो है 80 पे, तो उसको 5 पॉइंट ऊपर जाने की जरूरत है, उसके बाद हम ये प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं ये ट्रेड को।
अदरवाइज हम ये ट्रेड जो है वो लॉस में ही क्लोज हम करेंगे. लेट्स सी कि क्या होता है. अभी हमारे पास 30 सेकंड्स हैं एंड द मार्केट फ्लक्चुएशंस को देखते हुए हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा से आपको कहता हूं लास्ट सेकंड ट्रेडिंग के अंदर लास्ट सेकंड डिफाइन कर सकता है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को. आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे ये आपको पता लगता है लास्ट सेकंड में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस ट्रेडिंग में अगर हम फिक्स टाइम की बात करते हैं. नाउ वी हैव 11 सेकंड्स लेफ्ट एंड नाउ वी हैव 8, 7, 6 एंड अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है. इवन अभी भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा इस ट्रेड का. ओके, वी क्लोज्ड दिस ट्रेड इन प्रॉफिट. हमने जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में फाइनली क्लोज कर दी है. और अगर आप बैलेंस देख सकते हैं तो यहाँ पे बैलेंस हो गया है 21,697 US dollars. तो भाई लगभग 800 dollars का फायदा हो चुका है, देखेंगे आप. तो यार देखो, पहली बात तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी आई विल नेवर सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट ऑन द सिंगल ट्रेड. कभी भी एक सिंगल ट्रेड पे इतनी अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट मत करो, इट्स वेरी रिस्की बिजनेस. तो ये मैं आपको जब दिखाता हूँ लाइव सिनेरियोज में, तो आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस कि आप लाइव सिनेरियोज पे ट्रेड करो. लाइव सिनेरियोज मतलब कि आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड से सर्च करो, ट्रेड करो. क्योंकि मैं एक अगर एक नॉर्मल यूजर्स की तरह से सोचता हूँ तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि $10 की तो हम भी करते हैं, $20 की हम भी करते हैं. अगर आप वीडियो बनाते हो देन डू वन थिंग कि आप बड़ी ट्रेड्स प्रेफर करो, $1,000, $500, ताकि हमें अच्छा जजमेंट मिल सके कि आप अगर इतना इन्वेस्ट कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज करके तो क्या हम कर सकते हैं. तो यार ये चीजें हैं. अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 मिनट है, आप इसको 1 मिनट भी सेलेक्ट कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है. फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, स्ट्रेटजी यूज करने के बाद आपको प्रॉफिट होता है, तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर करके भाई हौसला बढ़ाना भाई का, क्योंकि नेक्स्ट टाइम और भी एक्साइटिंग स्ट्रेटजीज लेके आऊंगा अगर आप ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहोगे, प्यार देते रहोगे. तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लो यार, किसका वेट कर रहे हो. टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है सबसे पहले, यानी यूट्यूब से भी पहले. तो लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती ही रहेगी टाइम टू टाइम, रिलेटेड टू गिव अवे, रिलेटेड टू एवरीथिंग. ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है अबाउट दिस स्ट्रैटेजी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ऑल सजेशंस एंड फीडबैक्स आर वेलकम. एंड आप अगर कोई इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करने की प्रेफरेंस दे रहे हो कि भाई ये कॉम्बिनेशन है, इसको यूज करके बेस्ट टाइमिंग निकाल के लाओ ट्रेडिंग के लिए, भाई कैसे कर सकते हैं फिक्स टाइम में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं. ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी. और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.